हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो सबसे पहले हम गाजर छील लेंगे। गाजर छीलने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसके बाद कुकर में बॉयल करने के लिए हम डाल देंगे। अब हमें ये गाजर को धो लिया गया। अब हमें ये छोटे छोटे पीसेस करना है क्योंकि इसे अभी कुकर में उबाला जाएगा। गाइस सबसे पहले कुकर में हमने थोड़ा सा दूध डाला है और उसके ऊपर हमने डाल दिया है सारे गाजर और ये थोड़ा और दूध डाल रहे हैं। अब इसमें डाल रहे हैं हम चीनी। ये चीनी डाल दिया है और अब कुकर का ढक्कन लगा के इसको बॉयल कर लेंगे अच्छे से। धीमी आंच में आधा घंटा गाजर को उबला गया। अब गाजर पूरी पूर्ण रूप से भून चुकी है। अब इसमें चम्मच द्वारा थोड़ा मिलावट किया जा रहा है और इसको अभी कढ़ाई में डालना है। अब हम इसमें डाले हैं एक चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद और हम इसमें फ्राई करेंगे काजू और बादाम। अब हम डाले हैं काजू और बादाम। अब हम इसे धीमी आंच में फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद चीनी निकाल लेंगे। भून चुकी है बादू और काजू और बादाम भून चुकी है। अब इसे निकालना है। मस्त रंग खुल गई गाजर का। अब इसमें पानी ना रहे, पानी को सुखाने के बाद जाकर आगे दिखाता हूँ। अब हम इलायची का दाना निकाल के डालना है ताकि थोड़ा खुशबू फूल कर आ जाए। अब ये फ्राई हो चुका है, फिर हमें थोड़ा सा घी और डालना है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा घी और घी डालने से ये तो सॉफ्ट होगा और फिर खाने में भी टेस्टी होगा। अब इसे हम भूनते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी पदार्थ है बिल्कुल सूख जाए। धीरे 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 हम भूनते रहेंगे और धीरे धीरे गाजर जो है और बादाम जो है पकते रहेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छे लगने लग रहे। और अभी तो रंग खुलने में बाकी है, अभी भी और रंग और रंग खुलेंगे। अब देखिए धीरे धीरे रंग खुलती जा रहा है और कितने अच्छे लग रहे हैं।
अब इसका जो रंग है पूर्ण रूप से खुल गया है। अब इसमें हम डालेंगे खोया। गाजर का हलवा बनाने के लिए कोई पनीर से भी बनाते हैं तो कोई खोया से बनाते हैं, आपको जैसे इच्छा। हमें तो आज खोया डालना है, खोया से बनाना है। हमने 250 ग्राम खोया डाल दिया, 1 किलो गाजर और 250 ग्राम खोया, मतलब 1 किलो गाजर का साथ 250 ग्राम खोया मिक्सर किया। हलवा पूर्ण रूप से बन चुका है, अब हम इसे निकाल लें। अब इसके ऊपर हम काजू डालें, ऊपर रहेगा। अब इसको कितने अच्छे लग रहे, हल्का सा खोया डाल दिया। और अब इसे तो खाने के लिए किसी को मुंह में पानी आ सकता है। तो गाइस होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले एक वीडियो में। टाटा।